अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इमेज रनर 2525 कैनन की मशीन में आप सिखाएंगे कि बैक टू बैक कॉपी कैसे की जाती है बिना पेपर को उठाए, और इसका ऊपर बाईपास तो नहीं लगा हुआ था, हमने स्क्रीन से कॉपी करनी है बैक टू बैक कॉपी, तो कैसे की जाती है। पहले आपने आ जाना, जो एक पेपर ले लेना जो बैक टू बैक हो, और आपने फ्रंट कवर ओपन कर लेना है, और इसके पेपर को ऐसे आपने रख लेना है A4 की साइड पे, जहाँ पे A4 साइज आ रहा है, और आपने कवर बंद कर देना है। और फिर आपने आ जाना है अपनी मशीन की स्क्रीन पे, और पेपर में ये पेपर ले लिया बैक टू बैक, और इसको फर्स्ट टाइम ऐसे आपने रखना है A4 की सेटिंग में, A4 है ये, और नीचे से बिल्कुल, और इसको बंद कर देना। पेपर रख दिया स्क्रीन पे, और फिर इसको बंद कर देना। फिर आ जाना, सेटिंग करनी है इसकी बैक टू बैक की। अब देख लेना है कि पेपर किस ट्रे में है, तो उसके मुताबिक करना है। मेरा जो मशीन में पेपर पड़े हैं वो फर्स्ट ट्रे में पड़े हैं, उसको डन कर दिया। अब हमने अगर कुछ पेपर थोड़ा सा ज़्यादा नीचे तक लिखा हुआ है, तो एक दो पॉइंट नीचे कम कर लेंगे, हमारा ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। तो बैक टू बैक सेटिंग लगाने के लिए हमने क्या करना है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है टू साइडेड, तो हमने टू साइडेड को क्लिक करना है और ओके कर देना है, ये हो गया। और फिर हमने दबा देना है स्कैन के बटन को, स्कैन के बटन को दबाया, वो एक दफ़ा स्कैन करेगा। फिर हमने अब पेपर ऐसे पड़ा हुआ है, हमने इसको उठा के उल्टा रखना है पेपर, ये उल्टा रख के फिर हमने बंद कर देना है। और दूसरी बार फिर हमने जो ग्रीन बटन है स्कैन वाला, इसको दबा देना है, ये दबा दिया इसको, फिर ये स्कैन हो गया, पेपर स्कैन हो गया। अब वहाँ से पेपर चला गया, अब ये देख सकते हैं आप, एक दफ़ा ऐसे पेपर आएगा फिर वापस जाएगा, दोबारा निकल जाएगा तो उसमें से कॉपी, दोबारा निकल जाएगा तो उसमें से कॉपी हो जाएगी। तो फिर इसको हमने सेटिंग ख़त्म कर देनी है, दूसरी कॉपी सिंगल करने की, यस करके और इस येलो बटन को दबा देना, और ये ख़त्म होगी इसकी सारी सेटिंग। और ये देख सकते हैं आप, कॉपी हो गई है। ये बस इजी सा मेथड है इसका।